वेलकम बैक टू कनियन पाइजा फैमिली व्लॉग्स एंड फ्रेंड्स, आज है संडे। हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है। शाम को आने वाले हैं कुछ स्पेशल गेस्ट, वेरी वेरी वीआईपी गेस्ट। तो अभी हम लोगों ने करनी है यहाँ की सारी सफाई वगैरह। एंड स्पेशल फरमाइश आई है कि गोश्त में कुछ भी नहीं बनाना, सब वेजिटेरियन बनाना है। तो मेन्यू में हमने डिसाइड किया है आलू मटर का सालन, कढ़ी चावल, साग और शामी कबाब। साग और शामी कबाब तो सारा बना के लाई है। आलू मटर का सालन अम्मी ने बना के रख लिया है। अम्मी जी, सालन तो बहुत मजे का बनाया आपने, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सहमी भी नहीं रहना। जो दावत का खाना बनाता है वो सहम जाता है। बात तो सही है। डर लगता है कि जो खाना सारा तुम्हारा देखो, साग और शामी कबाब है, क्या कमेंट्स मिलते हैं, तो डर लगता है ना। हाँ जी, और साग और शामी, चलो सही है। घर के लिए भी लाइयो कि बस पूरे पूरे लाइयो? नहीं, घर के भी है, ज्यादा ही है। ओके ओके। और फातिमा, फातिमा तुम किसी काम में हिस्सा नहीं डालोगी हैं? तुम किसी काम में शेयर नहीं करोगी, कोई हेल्प नहीं करोगी? छोटी बच्ची हो क्या? जाओ ये सारी सफाई करो, ये सोफों के कवर उतार के। मुझे कंधे दे रहे हो, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है जब चार लोग इकट्ठे हो तो खाना बनाने वाले की शामत आ जाती है, ऐसा बनाना, वैसा बनाना, कैसा बनाना। एक साला नम्मी ने बना लिया, दो सारा बना के लाई है और एक मैं बना रही हूँ। सफाइयाँ वगैरह भी हमने करनी है, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया और 7 बजे आ जाना है और 8 बजे हम लोग डिनर सर्व कर देंगे। तो अल्लाह करे कि सबकी इज्जत रह जाए। जो 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 कुछ बना रहे हैं, राइस सबसे बड़ा मसला था, राइस का, राइस सब सही से बन जाए, गले में भी हो, खड़े भी हो, सही हो। राइस अलीना के हवाले कर दो। नहीं नहीं, अलीना पानीना से आ जाते हैं, तुम नहीं। फिर कौन बनाएगा? तुम से खुद ना वो हो जाते हैं, सारा के हवाले कर दो। मेरे से ना थोड़े से वो हो जाते हैं लाल, पता फिर इतना सा पानी जाते हैं। लेकिन ज़्यादा कच्चे ना रखना, सारा कसर छोड़ देती है। सारा के चावलों में अक्सर ना एक करनी होती है, तो डर लगता है पानी ज्यादा ना डाल दे, कुछ ना कर दे। मेरे से खुद हल्का सा पानी ज्यादा हो जाता है। हम ही लोग ना करनी हो तो कुछ नहीं बोलना किसी ने। चलो मम्मा, फिर मैं कड़ी बना रही हूँ, चावल किसी और से बनवा लो, मैं भी खतरा मोल नहीं ले सकती। ओके फ्रेंड्स, अभी ये कड़ी मैंने पकने रख दी है और थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, पानी में मजीद ऐड किया इसके अंदर, तो उसका लेवल पूरा आ गया, इसलिए पास ही खड़ी हुई हूँ। जैसे ही उबाला है तो इसकी आग में हल्की कर दूंगी और चाय भी बना ली है। चाय भी मैं किचन में खड़े होकर पी रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद सफाई का काम स्टार्ट करना है, तो रेडी भी हो चुकी है। सफाई का काम स्टार्ट करने के बाद मैं भी थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी, थोड़े बाल शाल बनाऊंगी, तो थोड़ी सी बस इसकी शक्ल निकल आए। अब इसके पकौड़े भी बने, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ्रेंड्स, हम लोगों ने सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया है, ये देखें फ्रेंड्स, और सब लोग रेडी भी होकर बैठ गए। अंदर की सफाई करने के बाद ये फैन ऑन किया है ताकि जो तपड़ी लगाई है वो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। ये मैं आ गई हूँ किचन में कड़ी की सूरत हाल देखने। कड़ी पक रही है अभी, तो इसको लगेंगे ईजीली 1.5 से 2 घंटे इसको लग जाएंगे। पकोड़ों का भी मिक्सचर रेडी होने वाला है, ये बेसन वगैरह रखा हुआ है। पालक कहाँ गया? हाँ, वो रहा है पालक। एंड फ्रेंड्स, जिन बर्तनों में खाना सर्व करना है वो तो ऊपर मैं वॉश करके टेबल पर रख के आ गई हूँ। अभी रेडी कर लेती हूँ पकोड़ों का मिक्सचर और बल्कि पकोड़े फ्राई करके रख लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने कड़ी के लिए पकौड़े बना लिए, तो बाहर की थोड़ी सी अरेंजमेंट्स कर दूँ। टेबल के ऊपर रखना है ये टिश्यू पेपर का बॉक्स, ये मैंने फाइनली रख दिया। और ये बैठी हुई ईशा रेडी हो गए और हिबा रेडी हो गए, वेट करिए आप लोग। अम्मी आपके कर रही हैं, अम्मी मिलू बच्चों के साथ वेट कर रही हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ मैंने कड़ी के लिए पकौड़े बना लिए। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पकौड़ों पर हाथ साफ भी कर दिया है और मेरे कल के कपड़े भी इस्त्री होने वाले हैं। मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट किचन का काम समेटती हूँ, फिर अपने कपड़े भी फटाफट इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि सुबह कुछ पता नहीं होता है। एंड फ्रेंड्स, ये मोहम्मद के देखें फेस के ऊपर कितनी जोर से आई हो गई। ओए मेरा मुन्ना, सारा फेस इसका हुआ हुआ प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा कर रही है, बाकी का काम जितना मैंने कर दिया ये रख दी मैंने पकोड़े बना के। और ये हमारा दूध बॉयल हो रहा है, वो कड़ी बन रही है जी। ये दूध बॉयल हो रहा है और ये बन रही है कड़ी और सॉस पैन। वाओ, सारा सॉस पैन तुमने बड़ा वॉश कर दिया है, इसका मतलब है तुम बर्तन धोने के एक्सपर्ट हो, बर्तन चमकाने वाली। फ्रेंड्स, अभी किचन मैंने कर दिया सारा के हवाले, बाकी की कुकिंग सारा जाने, सारा का काम जाने। एंड अम्मी, अम्मी जी, अम्मी सर्दी कम है या मुझे कम लग रही है? बहुत कम है सर्दी, सर्दी का जोर टूटा है ना। एंड फ्रेंड्स, कल जो
क्या है, हाँ सुबह हिबा को उसको लेके जाना है, उसकी तैयारी वगैरह करनी है एंड गेस्ट वगैरह जो आने वाले उसका हम फाइनल टच देते हैं आज के व्लॉग को। फ्रेंड्स यहाँ पे एंड कर रही हूँ, करीन फाइजर फैमिली व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।